डेमोक्रेसी में अटैक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं ये ऑफिशियल्स को, यानी कि अब उनकी मर्जी है आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो या ना प्रोवाइड करो, ये अपने चहेते को ही वहाँ बैठाएंगे। मतलब बेमतलब की रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रही है कि ताकि हमारे काम पे कोई नजर ही ना रखे। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 12 अक्टूबर 2015 को मनमोहन सरकार एक बिल लेके आई जिसे RTI कहा गया। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत हम किसी भी प्रकार की सूचना है जो केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार के कर्मचारियों से निकलवा सकते हैं। इसी RTI के तहत कांग्रेस सरकार के कई स्कैम सामने आए, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, और अभी बिहार के उन्नाव में एक लड़की ने RTI लगाकर अपने अंकों में बढ़ोतरी की, जिसके तहत उस अधिकारियों ने उसकी पेपर शीट है जो उसमें गलत अंक दिए हुए थे और पूरी तरह जो है पेपर शीट चेक नहीं की हुई थी। RTI के सेक्शन 13 और 16 में जो संशोधन अभी केंद्र सरकार ने किया है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष था, 5 वर्ष से 65 वर्ष तक था। जो अभी नया कानून आया 2019, इसके तहत जो चुनाव मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है उसका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, और 2005 के ही RTI के तहत राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त हैं उनका कार्यकाल था जो वो 5 वर्ष से 65 वर्ष तक था, परंतु अभी केंद्र सरकार है उसमें भी हस्तक्षेप कर रही है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि RTI के बारे में उनकी क्या राय है और जो इस तरह का संशोधन हुआ है RTI में उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा रणवीर सिंह एडवोकेट। रणवीर सिंह जी, अभी जो सरकार ने RTI में संशोधन किया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये संशोधन जो हुए हैं ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जी। इससे जो सेक्शन 13 में और जो सेक्शन 16 में जो संशोधन किया गया है जी। उससे जो सारी पावर है स्टेट की वो सेंटर ने अपने हाथ में ले ली है। इससे जो बेसिक जो आया था RTI एक्ट, उसका पर्पस जो था वो पर्पस डिफीट हुआ है, और इससे आने वाले टाइम में जो फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए था वो जनता को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और सरकार का जो उस पर कंट्रोल है एक्ट में वो ज़्यादा हो गया है, और जनता का जो जनता की जो इन्फॉर्मेशन लेने की जो एक थी कि हाँ जनता इन्फॉर्मेशन ले सकती थी किसी भी चीज़ पे, वो चीज़ उसकी कम हो गई है। तो इससे नुकसान ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से इसको वापस लेना चाहिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट IS मैनी। सर ये बताइए हमें कि जो अभी सरकार ने RTI में संशोधन किया है, क्या लगता है इससे RTI की जो सूचना का अधिकार था जिसे हम सही सूचना प्राप्त कर सकते थे उसको सरकार दबा रही है? देखो, RTI का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसका मेन और बेसिक पर्पस एक ही है कि जो भी एक कॉमन मैन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर से सिर्फ 10 रुपए की पर्ची कटवाकर ले सकता है। 10 से 15 वेरी करता है इस बार डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया इसके अंदर, 13 और 16 के अंदर RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दोनों सेक्शंस में जो पावर टू एम्प्लॉई ऑफ अ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है अपने हैंड में ले ली। अब उन्होंने क्या करा कि क्राइटेरिया जो डिसाइड करेंगे एम्प्लॉय करने का वो भी हमारा, सैलरी जो देंगे वो भी हमारी, जो उनके अलाउंसेस देंगे वो भी हमारे, इसका मतलब जो वो इन्फॉर्मेशन देगा या डिनाई करेगा वो भी हमारे हाथ में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में RTI एक्ट एक तरीके से आ गया, यानी कि अब उनकी मर्जी है आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो या ना प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा कि जो भी कॉमन मैन जो है वो RTI एक्ट में इन्फॉर्मेशन लेता था कि किस इन्फॉर्मेशन में इस मिनिस्टर ने इतना एक्सपेंसेस करा, इतना ये करा, वो इजीली गैदर कर लेता था, रेट लगा देता था, उसे एक कॉमन मैन को सब कुछ पता लग रहा था, एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस था। वो अब कैन होते ना होते हुए वो हिडन उसमें आ गया अब। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो देगी, नहीं चाहेगी तो वो नहीं देगी। सर अभी जिस तरह से स्कैम RTI के तहत सामने आते हैं, देश में बहुत सारे स्कैम है, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, भी बिहार में जो स्कैम हुआ लड़की की परीक्षा को लेकर उसमें सामने आए, क्या लगता है आपको भी जिस तरह से भी सरकार ने संशोधन किया है इस तरह के जो स्कैम सामने आए थे वे दब सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी उनके अलाउंसेस उनके अंडर आ रहे हैं, तो वो वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जहाँ उसे ऊपर से गाइडेंस दी जाएगी। जहाँ पे भी स्कैम आ रहा होगा वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते जाएंगे इससे जितने स्कैम हैं डिस्क्लोज ही नहीं हो पाएंगे। जितने हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं और अपनी रिट लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें आती है वो सब रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। तो मैं क्या बताऊँगा, ऐसे ये ऑफिशियल्स वहाँ काम करने वाला उसको एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए,
ऑटोनॉमी मतलब उसको काम करने में एक इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये गवर्नमेंट उसके ऊपर एक कंट्रोल होगा, मतलब उसका टर्म वो डिसाइड करेगा एक्सटेंड करने या नहीं, तो उसके पावर में आ जाएगा। तो ये सच में एक ये अपॉइंट नहीं करेगा तो फिर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल है ऑफिशियल्स में। तो प्रॉब्लम क्या है कि आरटीआई एक बड़ा पब्लिक के लिए एक एक्ट बना हुआ था, बहुत ट्रांसपेरेंसी सब चाहिए था, तो उसका काम करने के लिए उसको बहुत इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी चाहिए। वो अभी बहुत डाइल्यूट हुआ है, वो डाइल्यूट हुआ है तो डेमोक्रेसी में अटैक है, डेमोक्रेसी में अटैक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं ये ऑफिशियल्स को, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है ना ये आरटीआई। हम कुछ पूछते हैं गवर्नमेंट से पूछते हैं, तो कुछ बताना है कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट, वो बहुत नुकसान कर सकते हैं आदमी के लिए। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से 2G स्कैम, चारा घोटाला आरटीआई के तहत सामने आए, और बहुत सारे केस हैं देश में जो आरटीआई के तहत ही लोगों के सामने लोगों को पता चला कि इसमें घोटाला हुआ है, क्या लगता है कि भाजपा सरकार है जो जिस तरह अपने घोटालों को दबाने के लिए ये सब कर रही है? हाँ, क्योंकि हमको ये सब प्रॉब्लम पता चलने, एक पब्लिक को पता चलने हैं तो ये आरटीआई में जाता है, उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो भी सप्रेस हो जाएगा तो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। ऑफिशियल्स को कंट्रोल है तो वो डरेगा गवर्नमेंट से, तो उसको कंट्रोल है। सर अभी जो सरकार ने आरटीआई में संशोधन किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आरटीआई जो था, सबसे पहली बात तो ये है आरटीआई लगता कहाँ है, कहाँ लगाया जाता है, और उसके बारे में जो कोई भी पर्सन जो आज का प्राइवेट भी आदमी था जो आरटीआई लगा करके अपना सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता था, और उसके अगेंस्ट दिन प्रतिदिन जो है आगे केस फाइल करता था, उसका रिपोर्ट मंगाता था, इसलिए इस चीज़ का बहुत सारा मिसयूज होता था। इस मिसयूज के कारण जो है इसे अमेंडमेंट किया गया है। जिस तरह से सर आरटीआई के द्वारा स्कैम सामने आए, कांग्रेस सरकार के स्कैम सामने आए, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, अभी बहुत सारे पीछे और स्कैम सामने, क्या लगता है कि अब इससे स्कैम है जो वो सामने आ पाएंगे या नहीं? नहीं, ये चीज़ सामने नहीं आएंगे। ये चीज़ तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया था, जो पब्लिक का अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ये जानने के लिए, इसके मैंने सपोर्ट डेट किसी भी केस का एक स्टेटस जानने के लिए कहीं भी हो तो उसके लिए जानकारी के लिए दिया, उस जानकारी के अनुसार उसको हम एक एविडेंस के रूप में हम तौर पर यूज कर लेते हैं। जो सपोर्ट डेट कोई कोर्ट में यदि कोई केस चल रहा है तो उसके अगेंस्ट हम आरटीआई वाला जो मंगाते हैं रिपोर्ट वो लगा देते हैं जो हमारा इस स्टेज पर है, और एक एविडेंस में हमारा ये काम कामयाबी हो जाता है। शुक्रिया सर। क्या नाम है सर आपका? मुकुंद कुमार सिंह। सर अभी ये बताइए कि आरटीआई में जो संशोधन हुआ है, इसके आप पक्ष में है या नहीं? नहीं, पक्ष में ये नहीं है। किस लिए आप पक्ष को कमजोर किया गया है? इसको कमजोर किया गया है जो आरटीआई हेड जो होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है, उसको कमजोर किया गया है। ये अब केंद्र सरकार के अधीन काम करेगी। आपको लगता है कि जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, इन पर अब पूरी तरह केंद्र सरकार का? हाँ, वर्चस्व केंद्र सरकार कर रहेगा, ये अपने चहेते को ही वहाँ बैठाएंगे। तो पहले ऐसी थी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो सर्च करती थी, लेकिन ये अब जो हो गया वो केंद्र सरकार के अंदर चले गए, जो अपने चहेते को ही बैठाएंगे। जिस तरह पहले सेक्शन 16 में जो राज्य के सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनका जो निर्धारण था वो राज्य सरकारें करती थी, उनके ऊपर भी अब केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया, इसके बारे में आप कहेंगे? सारी जगह, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी को, ये अब कहने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ये अब केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। ये इससे इंडिपेंडेंट जो थे, पहले ये थे इंडिपेंडेंट होते थे, इंडिपेंडेंट फैसला लिए जाते थे, ये अब खत्म हो गया, इनकी पावर सारी जो केंद्र सरकार के पास चले गए। सेक्शन 13 में क्या हुआ कि जिनकी जो एज है, जो ओल्ड एज के हैं, उनकी जो एज है सेक्शन 30, उनकी जो 65 है, उसमें क्या है कि अभी चल रहा, अभी बिल पास नहीं हुआ है उसमें कि अभी उनकी एज अभी कितनी है, पास हो जाएगा। और सेक्शन जो 16 है उसमें भी अभी चल रहा है कि एज के हिसाब से अभी दोनों जगह से बिल पास होगा, फिर उसके बाद वो क्लियर। जैसे लोकसभा में भी बिल पास हो गया, उसको 218 वोट मिले और विपक्षी दल से उसको 79 वोट मिले, परंतु क्या लगता है कि आपको जिस तरह से केंद्र सरकार सूचना के इस अधिकार के ऊपर अपना कब्जा करना चाह रही है, इससे घोटाले वो सामने नहीं आ पाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जो घोटाले वगैरह हैं वो भी सब सामने आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। इस पर विपक्ष काम का राजनीति कर रहा है, कोई घोटाले नहीं हो गए। अब इसमें भी कल भी पार्लियामेंट में अभी सत्र स्टार्ट होगा, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो काम कर रही है जी। और बाकी क्या आपको लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत का फायदा उठाकर पूरी जो सूचना का कानून है उसके ऊपर कब्जा कर रही है? नहीं नहीं, बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत का कोई फायदा नहीं उठा रही। वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, सबके लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के लिए वो बराबर ही काम कर रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी दोबारा बीजेपी आई है। बीजेपी ना कि कोई राजनीति करके कि राम मंदिर पे कोई उसने राजनीति करे या कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बीजेपी ने काम किया है तो वो दोबारा वापस आई है। अगर कांग्रेस भी करेगी तो कांग्रेस भी आएगी। शुक्रिया सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनीष क्वात्रा है जी। सर अभी आरटीआई में जो संशोधन हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरी राय थोड़ी विपरीत है। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सबको कवर करना चाहती है, कहीं ना कहीं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, जिससे हम सरकार से कुछ पूछ के जानकारी नहीं रख सकते। तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वो नहीं है, बट धीरे धीरे ये ना मतलब बेमतलब की रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रही है कि ताकि हमारे काम पे कोई नज़र ही ना रख पाए जी। जी, आपका मानना है कि जो घोटाले वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो सरकारें हैं वो अपना पूरा कब्जा करना चाहती ताकि सामने ना? वो तो कोई भी सरकार आए, देखो कांग्रेस बिल्कुल खुला करती थी, अब बीजेपी थोड़ी नई नई आई है तो लोगों को लग रहा है इनसे अच्छी कोई है नहीं सरकार। कहीं ना कहीं जनता पे कोई ऑप्शन ही नहीं बच पाता, लेकिन फिर भी मोदी जी को समर्थन मिले हैं तो हम चाहते हैं ये बहुत अच्छा काम करें, मतलब लोगों का बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, जो आम जनता है उन्हें बहुत फ़ायदा हो, उनके कामकाज अच्छे चलें। अब आप ये मानोगे कामकाज ही नहीं चल रहे लोगों के। आजकल जिस भी बिजनेसमैन से पूछो हमें ये दिक्कत है, हमारा वकालत का पेशा भी ठीक ठीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है, और इसके बाद बावजूद गवर्नमेंट अपने संगठनों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि हमसे कोई सवाल जवाब ना कर पाए, तो ये मुझे सरकार की कहीं ना कहीं जाति लगती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें सोचना चाहिए कि प्रजातंत्र के लिए क्या बेनिफिट है, जो अच्छे कदम है वो लिए जाएं। तो ये थी हमारी आज की खास कवरेज आरटीआई बिल को लेकर। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को हिंद वॉइस को लाइक कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।